आज दिनांक 1 अगस्त 2021 को बहुजन समाज पार्टी जिला आगरा के तत्वाधान में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कृष्णपाल सिंह ऑडिटोरियम RBS कॉलेज खंडारी का पर्व किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय क्षितिज चंद्र मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद थे तथा वशिष्ठ अतिथि नकुल दुबे पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश थे। मुख्य अतिथि का सतीश चंद्र मिश्रा जी ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे हैं, जबकि सरकार को ब्राह्मणों ने ही बनाया है। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अयोध्या, मथुरा, वृंदावन में इस सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं कराए। जब बसपा की सरकार थी तो अयोध्या, वृंदावन, गोवर्धन, काशी सहित सभी धार्मिक स्थलों, पर्यटकों स्थलों पर विकास हुआ था। मिश्रा जी द्वारा रोजगार, छात्रों एवं विद्यालयों पर भी अपने विचार रखे गए तथा भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश को और देश को इन्होंने अंधेरे में डाल दिया है। आगरा से ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम इटी न्यूज। प्रदेश में मुख्यमंत्री हम होते, राजस्थान में मुख्यमंत्री हम, क्या सुनाई नहीं पड़ा, कोई आगे से पूछ ले। भाई डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से कह दीजिए वो एक किसी कार्यक्रम में हमारे साथ मंच में आ जाएं और देख लें शो कैसा है, तो वो अपने आप उनको पता लग जाएगा कि कितना, किस तरीके से लोग उत्साहित, किस तरह से लोग हमारे साथ में हैं और इस कार्यक्रमों में कितना उत्साहित हैं। अब उनके ऊपर हम क्या पर्सनल कमेंट करें, वो तो खुद ही परेशान हैं, उनको तो खुद ही किनारे रखा हुआ है इस सरकार ने, तो उनके बारे में हम क्या कमेंट करें। 2022 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार छोड़िए, अब की बार बहुत 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 ज़्यादा उससे आगे संख्या में बढ़ करके और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरीके से सर्व समाज आज बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है, उतना 2007 में भी हमारे साथ में नहीं जुड़ रहा जितना इस समय उत्साहित है, और अब की बार शर्तिया पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हमने तो आपके सामने विकास की बात करी, वो लोग नहीं करते हैं। हम तो यही तो कह रहे हैं कि वो लोग धर्म के नाम पे बहकाने का काम करके और विकास को किनारे कर देते हैं। हमने तो उत्तर प्रदेश में जो विकास बहुजन समाज पार्टी ने किया है, आगरा शहर में ही देख लीजिए, आप पूरे प्रदेश में देख लीजिए, एक नहीं बीसियों लाख मकान बना करके और दो दो कमरे के मुफ्त में जो लोग झोपड़ी में रहते थे उनको देने का काम किया। ये जो लोग हैं, इनके नेता हैं, झोपड़ियों में जाते हैं दिखाने के लिए, खाना खाने के लिए, खिचड़ी खाने के लिए ले अपना खाना जाते हैं। बहन मायावती जी का क्या है, वो झोपड़ियों में नहीं जाती हैं, झोपड़ियों में जो लोग रह रहे हैं उनको झोपड़ियों से निकाल करके और पक्के मकान में ले जाने का काम करती हैं। यही फर्क है दोनों। आखिरी सवाल है भैया, देखिए बहुत अच्छा है, हम तो चाहते हैं कि जरूर लड़े ये लोग, तीनों लोग चुनाव, और चुनाव में दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री जो सुन रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, तभी तो इन लोगों को ये एहसास होगा कि आज जनता क्या कह रही है उनके बारे में, तो इनको चुनाव में आने दीजिए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी किसी के साथ मिल करके और चुनाव नहीं लड़ने जा रही, एक बार नहीं।